हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी और तभी अचानक से नमीरा नमीरा क्या हुआ? 1 मिलियन होने वाला, जल्दी चलो जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं, इतनी गंदी एक्टिंग करने के बाद मैंने तो सोच लिया कि आगे का व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा। और इतनी ओवर एक्टिंग का 50 रुपये तो मैं अपने भाई का अलग से काटूंगी ही। वेल, मैंने रात भर इंतजार किया बट हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। पर अगले दिन जब मैं स्कूल से आई, मैंने देखा कि बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स और बाकी है एंड विल बी फैमिली ऑफ 1 मिलियन। सच में क्यूटीज, ये सब देख के कभी कभी तो यकीन नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बस अपने ख्वाब में ही सोची थी। एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू गाइस, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। अब जब कि 1 मिलियन हो गए तो अपनी खुशी को थोड़ा साइड में रखते हैं और काम पे लग जाते हैं। 1 मिलियन सेलिब्रेशन के प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट था कैफे बुक करना। वैसे तो ये ज्यादा टफ काम नहीं था और हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग रूफ टॉप बुक करेंगे, पर फिर मेरे भाई का दिमाग पहली बार काम किया और उसने कहा कि बारिश हो गई, तो इसीलिए हमें लास्ट मोमेंट पे अपना आइडिया चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सेकंड पॉइंट है रिटर्न गिफ्ट, जिसके बारे में हम लोग कल सोचेंगे। अरे, इस वक्त कौन आया होगा? इतनी बारिश में भी कुरियर वाले भैया मेरा पार्सल पहुंचाने आए हैं। वाओ यार, लेकिन एक सेकेंड, इसमें है क्या? ओहो, तो इसमें है रिटर्न गिफ्ट बैग। अब ये बैग्स आ ही गए तो बिना देरी किए हुए रिटर्न गिफ्ट पैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये रिटर्न गिफ्ट बैग्स चपटे होके आए थे, तो मैंने इन्हें इनकी असली शक्ल में लाया। पता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए मैंने डिफरेंट गिफ्ट चूज किए। सच में दिमाग का दही हो गया इसमें। और ये मैं तब से कह रही हूं जब मेरे 900K सब्सक्राइबर्स हुए थे। मैंने सोचा कि सबको एक टाइप का गिफ्ट देंगे तो मजा नहीं आ रहा। बच्चे लोगों का गिफ्ट बैग छोटा था तो उसमें सारी चीजें फिट हो गई, पर बाकी सारे गिफ्ट बैग्स बहुत बड़े थे और उसमें हमें डालने पड़ेंगे श्रेडेड पेपर। बट वी रियलाइज कि हम लोगों ने वो ऑर्डर ही नहीं किया, इसीलिए हम लोग श्रेडेड पेपर खुद से बना रहे हैं। अभी जो मैं ये वाला गिफ्ट पैक कर रही हूँ वो है मेरी एज की सारी दोस्तों का और सारी कजिन्स का। मैंने ट्राई किया है कि इसी वीडियो में सारी चीजें दिखा दूं कि मैंने रिटर्न गिफ्ट में क्या क्या दी है। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शूट किया, आई होप वो मैं अपलोड कर दूं। और अगर अपलोड नहीं की तो ये समझ जाना कि या तो वो डिलीट हो चुकी है या तो मेरा मन नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सारे रिटर्न गिफ्ट पैक किए और इसी दौरान चॉकलेट्स चुराते चुराते एक पैकेट में दो दो चॉकलेट्स निकले। अब आप ही लोग बताओ, इसको लक नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? में मैंने बो टाई कर दिया और ये इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बस मन कह रहा है कि इन्हें देखती रहो। ये सारे गिफ्ट जब पैक हो गए थे तो मैं खुश हो रही थी कि चलो अब मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। पर अभी एक और सरदर्द बाकी है। मुझे अपने ड्रेस के स्लीव्स में फाइनल टचेस भी देने थे तो मैं बस बैठ के यहाँ पे बीट्स के पैटर्न बना रही हूँ। और अभी तक तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा कि मेरा ड्रेस पर्पल कलर का है। इस ड्रेस को मैंने स्क्रैच से रेडी करवाया। ऐसा शेड तो मुझे चाहिए नहीं था बट मैंने पूरी दुकान की छानबीन की पर मुझे मिला नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा ड्रेस सिलेगा, पर फिर भी मैंने हिम्मत के ड्रेस की रेफरेंस टेलर को दिखाई और सिलने के लिए दे दी। और जिस दिन मैं ये ड्रेस लेने के लिए गई उस दिन तो हद ही हो गई। खैर, मेरी ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी और वो आप लोगों को कुछ ही देर में देखने को मिलेगी, सो प्लीज हैव सम पेशेंस। अभी फिलहाल तो मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कैफे और संभल संभल के सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ क्योंकि अगर गिर गई तो अलग ही लेवल की बेइज्जती होगी। वैसे पता है, जब मैंने एंट्री मारी तब तो अलग ही लेवल की सेलिब्रिटी वाइब आई यार। हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे और गर्मी भी थी, इसीलिए सबसे पहले हमें सर्व हुआ लेमन सोडा। ओ आपा, हम लोग किसी की फोटो देखे, जल्दी आओ जल्दी। स्टार्टर में हम लोगों ने खाया हक्का नूडल्स और चिल्ली चिकन और ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था।
आई मेड श्योर कि ये स्टार्टर सबको सर्व हुआ कि नहीं, और उसके बाद मैं अपनी दूसरी प्लेट लेके किनारे बैठ गई। यहाँ पे मेरे भाई लोग ये प्लान बना रहे थे कि बची हुई बिरयानी को कैसे गायब करना है। एनीवेज अब चलो चलते केक लेने के लिए, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने यहाँ से इतने सारे केक के फोटोज जनरेट करवाए थे जैसे मुझे चाहिए थे, और मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वैसा बन भी पाएगा कि नहीं। बट बिलीव मी, यूडीएस केक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, देखने में भी और टेस्ट में भी। So this is the cake cuties, और जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाइए। चलो अब फोटो सेशन खत्म हुआ और जल्दी से केक कट करते हैं क्योंकि सबकी नजर वहीं लगी हुई है। हैप्पी दिवाली। Now it's finally time for the main course. मैंने तो स्टार्टर से ही अपना पेट भर लिया था, पर बिरयानी को देख के कौन सबर कर सकता है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बिरयानी ली क्योंकि अभी गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी खाना बाकी है। अरे मैं रिटर्न गिफ्ट देना कैसे भूल सकती हूँ, सब ऐसे ही निकले जा रहे थे। फिर मैंने सबको रोका और रिटर्न गिफ्ट पकड़ाया। So this was all about today's video cuties. Thanks for watching. रुको अभी कहाँ, अभी तो gifts unpack करना बाकी है। मुझे पता है आप लोगों का ध्यान लगा होगा इसमें। yes! तो सबसे पहला गिफ्ट है ये बटर स्कॉच केक जो मेरी फ्रेंड लेके आई थी। मेरे तो दिमाग में ही नहीं था ये घर लाते लाते इसकी शक्ल ऐसी हो गई। कोई बात नहीं, हमें तो खाने से मतलब है।
उसके बाद ये चॉकलेट जो मेरी बेस्टी ने दी है एंड देन वी हैव कैडबरी सेलिब्रेशन। हाँ ये वाला गिफ्ट रैप किया हुआ है पर फिर भी मैंने गेस कर लिया कि इसमें सेलिब्रेशन ही है। अगला गिफ्ट मेरी एक और बेस्टी ने दिया। सबसे पहले वाले में तो है एक कप जिस पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे। अरे वो इसलिए क्योंकि वो मुझे ये बर्थडे पे नहीं दे पाई थी। और जो दूसरा गिफ्ट है वो भी सेलिब्रेशन ही है। यार मुझे लग रहा है कि इतनी सारी चॉकलेट्स खाने के बाद डायबिटीज ना हो जाए। सबके गिफ्ट सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और ये वाला भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये है एक ब्रेसलेट मेकिंग केस का यूज करके मैं काफी सारे ब्रेसलेट्स बनाने वाली हूँ। और इस वाले डब्बे में है एक प्यारा सा नेक पीस और इयररिंग सेट। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगभग सारे बॉक्सेस ऊपर से ही देख करके पता चल जाते कि इसमें क्या होगा। मतलब सही सही गेस कर लेती हूँ कभी कभार मैं। इस बॉक्स में बहुत ही ज्यादा प्यारी जूती निकली। वैसे सब लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसके अंदर क्या है वो देखने के लिए थे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं एटम बॉम्ब ना निकल जाए। पर इसके अंदर से निकला ये पैरासिटामोल। नहीं 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 इसमें प्यारी सी क्लिप यार। मैं तो बेकार में ही डर रही थी। नेक्स्ट गिफ्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मतलब मैं बिना चश्मे के आज तक दूर से घड़ी देख ही नहीं पाई हूँ। तो ये है डिजिटल क्लॉक जिसमें लाइट जलती है तो आई होप अब मैं टाइम दूर से देख सकूं। बाय द वे देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। एंड ये सारी गिफ्ट दिए मेरी कजन सादिया ने अपने हाथों से बना के। और इससे ज्यादा स्पेशल मेरे लिए क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सादिया ये बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। वाओ इस गिफ्ट को ऊपर से देख करके लग रहा है कुछ तो ड्रेस टाइप का है। एंड आई वाज राइट ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है ना यार। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। चलो अब देखते हैं कि अगले गिफ्ट में क्या है। इसको भी मैंने गेस कर लिया था कि इसमें एक पर्स होगा पर इतना ज्यादा प्यारा पर्स होगा वो नहीं गेस किया था। यहां तो मैं पिघल गई। एक तो इसका पैटर्न होलोग्राफिक है और उस पे इतनी प्यारी बटरफ्लाई वाओ यार। एंड देन है ये छोटी छोटी सी गोल्ड इयररिंग्स जो की बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। और लास्ट वाला गिफ्ट सबसे ज्यादा प्यारा है। ये है एक बिल्ला जो की बिल्कुल ऑगी की तरह लगता है। इसको मेरे एक नेबर ने गिफ्ट किया और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार। हाँ हम सबको पता है कि ऑगी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता पर अब मैं इसका ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे मैं ऑगी का रखा करती थी।